Qualcosì. Ek prakriti manohar kaam hai. Assam ki Guwahati se lagbhag 30 kilometer dur hai, jo Brahmaputra nadi ke kinare sthit hai. रेशम बुनाई का विशेष शिल्प केंद्र है। जो स्वर्ण मुगा रेशम के लिए मशहूर है। सत्रहवीं शताब्दी में रेशम बुनाई गांव के रूप में वालकुसी को राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह 1603 से लेकर 1641 के शासनकाल के दौरान अहोम साम्राज्य के एक महान प्रशासक मोमाई तामनी बरबरुआ ने स्थापित किया था। राजाओं द्वारा अहम माना जाने वाला ये शिल्प उस दौरान स्थापित हुआ, मगर उस वक्त शिल्प से बने कपड़े केवल रॉयल्टी या शाही खानदान के परिवारों की शान बढ़ाते थे, क्योंकि वो ही इसे खरीदने की हैसियत रखते थे। मेखेला चादर यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो कि मेन हर ओकेजन, दैट इज कस्टम ऑफ असम। सो आप अलग अलग तरह के वीव देख रहे हैं जो हम मुगा के ऊपर में यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के मोटिव्स, अलग अलग तरह के आप मुगा की खूबसूरती उसके किस कितने तरह के मोटिव आप बना सकते हैं, लाखों हजारों मोटिव इसके ऊपर वीव किए जा सकते हैं। एंड सेकेंड, मुगा की उम्र मुगा को वीव करने वाले से ज़्यादा लंबी है। आप इसको अपनी जनरेशन तक पास कर सकते हैं। इट इज़ मोर लाइक पासिंग योर कस्टम टू योर नेक्स्ट जनरेशन। Thank you.
इन बने हुए रूपांकनों को पहले ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है। फिर छिद्रित कार्ड बनाने के लिए डिजाइन की तर्ज पर आयताकार कार्डबोर्ड पर छिद्रित किया जाता है। डिजाइन ज्यादातर प्रकृति से प्रेरित होते हैं और विभिन्न फूलों से लेकर मोर, मछली, हिरन और गेंडे के रूप में भी होते हैं। कभी कभी धार्मिक रूपांकन भी इसमें दिखाई देते हैं। आमतौर पर इसमें सफेद, लाल और काले रंग होते हैं और कभी कभी हरे, नीले या नारंगी जैसे उज्ज्वल रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। राजाओं के शासनकाल के दौरान बुनाई में सुनहरी जरी का उपयोग किया जाता था। लेकिन बुनाई के व्यवसायीकरण के चलते रेशम और सूती धागे का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। महात्मा गांधी असम की महिलाओं द्वारा बुने गए रेशम खादी से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा था, असम की महिलाओं ने अपने करघे पर परियों की कहानियों की बुनाई की है। पुराने समय में बुनाई का कौशल ही एक युवा लड़की की शादी के लिए प्राथमिक योग्यता थी। इसका कारण यह है कि असम में बुनाई केवल जीविका का साधन ही नहीं है, बल्कि जीवन का एक तरीका रही है। ऐसा कहा जाता है कि असम में राजा प्रताप सिंगा के मंत्री मोमाई तामली परबरुआ ने सभी व्यस्कों के लिए हर शाम एक निश्चित मात्रा में सूत कातना अनिवार्य किया था। रेशम के कीड़ों के पालन के लिए अधिक कौशल और धैर्य की आवश्यकता होती है। मुगा का निर्माण एंथेरिया सेमेंसिस के ककूनों से किया जाता है, जो केवल असम में ही उपलब्ध है। मुगा के कीड़े असमिया में मुगा पोलू का जीवन चक्र भी रेशम के कीड़े जैसा होता है, यानी अंडे, कैटरपिलर, प्यूपा और कीट। खुली हवा में मुगा का पालन करते समय उसे पक्षी और चमगादड़ों से सुरक्षित रखने की ज़रूरत होती है। मादा कीट खरिका पर अंडे देती है और जब ये अंडे से निकल जाती हैं तो खरिका के साथ कीड़ों को भी युवा पौधों की विशेष रूप से चयनित टहनियों पर लटका दिया जाता है। छोटे कीड़े तुरंत भोजन पाने के लिए पत्तियों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। एंथेरिया सेमेंसिस मौत के अंडे, जिसे आमतौर पर बीज के रूप में जाना जाता है, सोम और स्वालू पत्तियों पर रखे जाते हैं। जब तक उनमें से करीब 2 मिलीमीटर लंबा कैटरपिलर बाहर निकलकर नहीं आता, वे तेजी से बढ़ने लगते हैं, अधिक मात्रा में खाते हैं और 4 से 5 हफ्ते के बाद 30 मिलीमीटर लंबे हो जाते हैं। इस समय के दौरान वे 4 बार खाल बदलते हैं। आखिरी मोल्ट के बाद कीड़े और अधिक रूप से खाते हैं। रात में वे पेड़ के तने से नीचे की तरफ उतर जाते हैं, जिससे उन्हें इकट्ठा करने का कार्य सरल हो जाता है। कोकून स्पिन करने के लिए उन्हें सूखी पत्तेदार टहनियों के बंडल पर रखा जाता है, जिसे तल्ली कहा जाता है। कोकूनों के उपचार और निपटान में कच्चे रेशम बनाने के लिए कोकूनों को खोलना पड़ता है। प्यूपा वयस्क के रूप में उभरने से पहले ही कोकूनों के अंदर मर जाते हैं। ये प्रक्रिया या तो उन्हें सूरज की गर्मी में सुखाकर की जाती है या उन्हें एक विशेष सुखाने वाले कक्ष में गर्म करके किया जाता है। कोकून से फिर रेशम की लच्छियाँ बनाई जाती हैं। रीलिंग या लच्छी बनाने के 2 तरीके
प्रचलित हैं। पारंपरिक जिसमें दो व्यक्ति शामिल हैं और हाल ही में प्रचलित एक ऑपरेटिंग मशीन जिसमें ऑपरेटर रीलिंग के लिए अपने दोनों हाथों का उपयोग करता है। रीलिंग के बाद मुगा के धागों को 3-4 दिनों तक छाया में सुखाया जाता है, जिसके बाद उसके बंडल बनाए जाते हैं। परंपरागत रूप से मुगा को लड़कियों के लिए मेखला सदर असम में साड़ी के बराबर और लड़कों के लिए कुर्ता बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आज भी असम में यह सबसे परिष्कृत पोशाक मानी जाती है। असमिया महिलाएं रेहा मेखला सदर का उपयोग करती हैं। एड़ियों तक लंबी स्कर्ट को मेखला और ऊपरी परिधान को रेहा के रूप में जाना जाता है। रेहा की निचली पट्टी में लाल रंग का पैटर्न आकर्षक और प्रतीकात्मक होता है। मेखला और रेहा के बॉर्डर में भी डिजाइन पाए जाते हैं। स्वर्ण मुगा की खूबसूरत परंपरा यूं ही चलती रहेगी और असम के हुआलकोसी एवं अन्य गांव में वस्त्र शिल्प का काम आगे बढ़ता रहेगा और वहां के कारीगर करघे पे हर रोज परियों की एक नई कहानी बुनते रहेंगे।